सरकार दो ही पार्टियों की बनती है, या तो बीजेपी की या कांग्रेस की, या तो हाथ की या फूल की। बाल्टी की सरकार कहीं बनी नहीं आज तक, सरकार तो दो ही पार्टियों की बनती है। और जो माहौल आज राज्य में है, देश में है, जो बदलाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा बनने जा रही है। जैसे हम लोगों ने सरकार कर्नाटक में बनाई है, हिमाचल प्रदेश में बनाई है, दो सूबों में चुनाव हो गया। अभी हमारे कुलदीप इंदौरा जी प्रमुख साहब गंगानगर के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और 25 तारीख को राजस्थान में भी यहाँ से आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूँ। ये हाथ का निशान हमारी कांग्रेस पार्टी की पहचान है। इस हाथ के निशान के पास वाले बटन को दबाकर इस नौजवान को अपना वोट दो, ताकि कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों पे भरोसा कर जो टिकट दिया है, आपका संघर्ष करने के लिए यहाँ से जयपुर जाएंगे आपका विधायक बनकर, और संग्रह विधानसभा क्षेत्र की अपनी पूरी ताकत के साथ सेवा करेंगे। ये बात करने के लिए आपके बीच में आए थे। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस का फर्क आप समझो। सत्ता में 10 साल से भाजपा की सरकार दिल्ली में है। नीति, नियत और नेता आप भाजपा के देख लो और कांग्रेस के देख लो। भाजपा ने कानून बनाए किसानों के खिलाफ, 3 काले कानून। 1.5 साल तक किसान दिल्ली में धरना देके बैठे रहे, ठंड और गर्मी में भूखे प्यासे सैकड़ों किसानों की जान चली गई, तब जाके भाजपा की सरकार ने वो काले कानून वापस लिए। बीजेपी की सरकार ने नोटबंदी करी, GST लेकर आए, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था, 15 लाख हर खाते में जमा कराने का वादा किया था, कोई वादा पूरा किया नहीं। हम लोगों ने कहा था रोजगार का अधिकार देंगे, हम नरेगा लेकर आए। हमने कहा था खाद्य सुरक्षा हो, सूचना का अधिकार हो, सब पे कानून बनाएंगे। हमने छात्रवृत्ति दी है, पेंशन दी है, गरीब किसान, दलित, आदिवासी, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, सब लोगों का ध्यान रखा। कांग्रेस पार्टी का काम हमने देखा और भाजपा का काम हमने देखा। अब आपको निर्णय करना है। आपने यहाँ पर शासन भाजपा का भी देखा है, कांग्रेस का भी देखा है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, पूरे क्षेत्र में संग्रिया से विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर हर मजहब के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, समाज के लोग हैं। 36 कौमों की ये पार्टी, चारों धर्म की ये पार्टी, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। उस पार्टी के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दो, ताकि हम सबको लगे एक नई शुरुआत यहाँ से करनी है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन 5 साल का कार्यकाल आपने देख लिया। इस संघ विधानसभा क्षेत्र में जो संभावनाएं थी वो काम आपने देख लिया। आज इस नौजवान को मौका दो। और मैं हमेशा अभिनंदन जी को बोलता था, मैं जब 5 साल विपक्ष में मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो ये छात्र राजनीति करते थे। हमने 5 साल 2013 से 18 राजस्थान में बीजेपी सरकार के खिलाफ खूब लाठियां खाई, खून पसीना बहाया, धरने दिए, भूख हड़ताल करी, पदयात्राएं करी। उस संघर्ष में मैं जिस जिले में जाता था पार्टी की बात रखने के लिए, जिस जिले में जाके कार्यक्रम करता था, सबसे पहले वहां पर अभिमन्यु पूजा खड़ा मिलता था लोगों को। मैंने कहा मन्यु, मैं तो जयपुर से बाड़मेर आया हूँ, बाड़मेर से जालौर जाऊंगा, जालौर से कोटा जाऊंगा, लेकिन मैं जब गाड़ी से उतरता था तो सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टीम लेकर संघर्ष करने के लिए सबसे पहले अभिमन्यु मामा मुझे दिखते थे। और इसीलिए मैंने पार्टी को कहा, जो आपकी पार्टी के लिए दिन रात 24 घंटे निस्वार्थ भावना से काम करता है, वो जनसेवक बनना चाहता है, आपका विधायक बनना चाहता है। आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि सारी बात भूलकर जाति की, बिरादरी की, गुट की, बड़े की, छोटे की, हम सब मिलकर इस बार इस नौजवान को मौका दें। कांग्रेस पार्टी ने इस नौजवान व्यक्ति को आपके भरोसे पर टिकट दिया है। और आज मैं चुनाव से, मैंने मन्यु जी को बोला, इसमें मुझे कहा नामांकन के बाद, सचिन जी कार्यक्रम करना है। मैंने कहा अभी तो चुनाव को गर्म होने दे, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, जब चुनाव के पास होगा तो। इन्होंने कहा बीजेपी के बहुत नेता आ रहे हैं, बहुत सारे भाषण हो रहे हैं, फला नेता आ रहा है, फला मंत्री आ रहा है, फला मुख्यमंत्री आ रहा है, जिले में आ रहा है, संभाग में आ रहा है, मेरे क्षेत्र में आ रहा है, भाजपा के नेता बहुत सारे आ रहे हैं। मैंने कहा अभिमन्यु पूनिया जी, आप चिंता मत करो,
हम एक सभा करेंगे चुनाव से ठीक पहले, उस सभा में सब बराबर कर दूंगा। क्यों बराबर कर दूंगा सुनो, मैंने कहा कितने नेता आए भाजपा के, क्या बहुत सारे नेता आ रहे हैं। मैंने कहा हम लोग भी आएंगे। और सुनो, मैंने कहा मंजू को 100 सुनार की और 1 लोहार की, आज हम सब लोग आ गए हैं। मैं राजा बरिंग जी का धन्यवाद करता हूँ, ये पंजाब से चलकर विशेष रूप से नौजवान के लिए वोट मांगने आए हैं। हम लोग देरी से आए, मुझे आगे 4 सभाओं में जाना है, मैं आपसे विदा लूंगा। लेकिन अभी बरिंग, अभी राजा जी की आपको पूरी बात सुननी है, लेकिन मैं जाऊं इससे पहले, मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूं, मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं। जब तक आप मुझे विश्वास नहीं दिलाओगे कि इस नौजवान को आप विधायक बनाओगे, तब तक मैं जाऊंगा। चुनाव फंसा हुआ है, संग्रिया का समीकरण ये है, यहाँ इतने समाज के वोट हैं, यहाँ ब्राह्मण राजपूत जाट विष्णोई जट से दलित, मुझे सबका ने समझाया। मैंने कहा नौजवान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई जाति नहीं होती, हम सबको साथ लेकर चले हैं, सबको साथ लेकर चलते रहेंगे। लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ, आप सब लोग अगर इस मेरे छोटे भाई को आशीर्वाद दो और मुझे आश्वस्त करो कि यहाँ से जिताकर भेजोगे, तो मैं मन छोड़कर आगे जाऊंगा, तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा आप लोगों के बीच। दोनों हाथ खड़े करकर आश्वासन दो, उसको आशीर्वाद दोगे तो जी बैंड बज रहा आवाज नहीं है, जोर से बोलो पार्टी। ये आवाज जीत का जयकारा है, इस आवाज से जीत 100% सच करनी पड़ेगी। आप भी लगा दे, जोर से बोलना